हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज अ जियोग्राफिक एरिया वेयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज वेदर, लैंडस्केप वर्क टुगेदर टू फॉर्म ए बबल ऑफ लाइफ। सो इकोसिस्टम कंटेन बायोटिक और लिविंग पार्ट्स एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर और नॉन लिविंग पार्ट्स। सो बेसिकली इकोसिस्टम होता क्या, एक ऐसा ज्योग्राफिक एरिया, ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहाँ पे प्लांट्स भी, एनिमल्स भी ही और बाकी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो वेदर और इसके साथ साथ वेदर, लैंडस्केप, सब एक साथ मिलके काम करते हैं ना लाइफ को क्रिएट करने के लिए या लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए, उसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। सो इसमें बायोटिक और लिविंग पार्ट्स भी हो सकते हैं और अबायोटिक और नॉन लिविंग पार्ट्स भी हो सकते हैं। सो ए कलेक्शन ऑफ बायोटिक और अबायोटिक एंड वेदर, लैंडस्केप, अदर थिंग्स ऑल्सो टू मेक ए लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड एन इको सिस्टम। सो इको सिस्टम तो हमें पता चल गया, लेकिन टॉपिक हमारा था इको सिस्टम रेस्टोरेशन। सो रेस्टोरेशन क्या होता है? तो रेस्टोरेशन एक ऐसी इंटेंशनल एक्टिविटी हम बोल सकते हैं जो इनिशिएट करती है या एक्सेलरेट, मतलब या तो स्टार्ट करती है या उसको ग्रोथ में लाती है रिकवरी ऑफ इकोसिस्टम। जो हमारा इकोसिस्टम डैमेज हो गया या डिग्रेड हो गया हुआ, ख़राब हो गया, उसको जब हम वापस से ठीक करने की कोशिश जो हम कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं रेस्टोरेशन। सो वट इज द फॉर्म उसकी, कितनी भी उसकी डिग्रेडेशन है उसकी इंटेंसिटी की, जब हम उसे वापस ठीक करने की बात कर रहे हैं, वापस अपने जो उसकी बेस्ट स्टेट थी उसमें लाने की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा रेस्टोरेशन। तो दैट इज़ ए इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी प्रोसेस जो है हम रिवर्स कर रहे हैं डिग्रेडेशन का, जो हमारे इकोसिस्टम में था, जो भी हमारा इकोसिस्टम डिग्रेड हुआ है, डैमेज हुआ है, जब हम उसको वापस ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उस रिवर्स प्रोसेस को हम बोलते हैं इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। जैसे जो हमारे लैंडस्केप्स हैं, लेक्स हैं, ओशन हैं, जब वापस अपनी, अगर वो इकोलॉजिकल फंक्शनैलिटी को या अपने काम को रीगेन करें या अपनी प्रोडक्टिविटी या कैपेसिटी जो इकोसिस्टम की है उसको बढ़ाएं, ताकि वो जो सोसाइटी की नीड्स है उनको इम्प्रूव, उनको मीट कर सके, दैट इज़ ए इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और ये हम तक कैसे कर सकते हैं? अगर हम जो अवर एक्सप्लॉयटेड इकोसिस्टम है उनको वापस से ठीक हम तभी कर सकते हैं जब हम और ज़्यादा ट्रीज प्लांट करें या अदर प्लांट्स को और ज़्यादा क्वान्टिटी में प्लांट करें, तो हम नेचुरल रीजनरेशन ला सकते हैं अपने ओवर एक्सप्लॉयटेड इकोसिस्टम को, जो हमने हद से ज़्यादा ख़राब कर दिया या बर्बाद कर दिया। सो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इज़ गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स। सो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इज़ गाइडेड बाय सम प्रिंसिपल। जो पहला प्रिंसिपल है कि ये कम्प्लीमेंट है, कि हमें कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ को रिप्लेस नहीं करना है, और ये शुड बी कंसिस्टेंट होने चाहिए जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं, जैसे इकोसिस्टम अप्रोच प्रिंसिपल्स। और इन्हें हमें बहुत सारे स्केल्स, मतलब डिफरेंट लेवल्स पे प्लान करना है और इम्प्लीमेंट करना है जो बेस्ट होगा, और विद अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज के साथ। सो एग्जांपल जो कुछ है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन की, वो फार्म लैंड्स हैं जो हमने वास्ट क्वांटिटी में बनाए हैं। तो फार्मलैंड्स क्या होते हैं? फार्मर्स जो है हमारे बैकबोन है किसी भी रूरल इकोनॉमी के या ग्लोबल फूड सिस्टम के, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी लोग बढ़ते जाएंगे, एंड द फूड इज़ द बेसिक नीड टू सर्वाइव। तो फार्मर्स वो बैकबोन है उस इकोनॉमी के या उस फूड सिस्टम के। तो 3.2 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो है लैंड डिग्रेडेशन से सफ़र करते हैं, मतलब जिनकी ज़मीनें ख़राब हो गई हैं या डैमेज हुई, डिग्रेड हो गई हुई हैं, अब उनमें वो क्वालिटी नहीं है। लेकिन कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस से, जैसे स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन या ओवर एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन, इस तरह के अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड हुई है, और इसने कंट्रीब्यूट किया है प्रॉब्लम। लेकिन हम अब इस डिग्रेडेड फार्मलैंड को रिस्टोर कर रहे हैं, और ताकि हम आसपास की लैंडस्केप्स को भी ही बूस्ट कर रहे हैं, ताकि हम एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ा सकें, क्योंकि एज आई ऑलरेडी डिस्कस की फूड इज़ द बेसिक नीड टू सर्वाइव। द अदर इज फॉरेस्ट, जंगल। सो फॉरेस्ट और जंगल, ये पेड़ पौधे, दैट मेक द अर्थ लाइवेबल। फॉरेस्ट या जंगल जिन्हें हम कहते हैं, या पेड़ पौधे, इनने ही हमें जिंदा रखा है, क्योंकि बेस फूड के साथ साथ हमें एक और बेसिक नीड जो है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना तो हम सर्वाइव नहीं कर सकेंगे ना, तो वो ही हमें ये
शुद्ध हवा पानी इनकी वजह से ही मिलता है, क्योंकि ये वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन को स्टोर करते हैं। और मॉडरेट करते हैं क्लाइमेट को। ये ग्लोबल हीटिंग के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा डिफेंस है, क्रिटिकल डिफेंस अगेंस्ट ग्लोबल हीटिंग। तो बहुत सारे प्लैनेट्स जैसे बायोडायवर्सिटी ये सब की हेल्प से ही हम जो है सर्वाइव कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड, बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड की लाइवलीहुड को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट से जो हमें क्लीन एयर और वाटर मिलती है, दैट आर द बेसिक एग्जाम्पल या बेसिक थिंग टू सर्वाइव। फ्रेश वाटर, सो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है वो सप्लाई करते हैं फूड वाटर टू बिलियंस ऑफ पीपल। और जैसे फ्लड जैसी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जो हमारे पास, जैसे फ्लड हो गया या सूखा पड़ना हो गया, इनसे हमें बचाते हैं। और एनिमल्स और प्लांट्स को एक यूनिक हैबिटेट देते हैं, क्योंकि उन्हें वर्टिब्रेट स्पीशीज मिलती है 1/3। तो इस इकोसिस्टम में आप बहुत सारे रेंज कर सकते हो, जैसे मैंग्रोव्स जो हमारे कोस्ट को, सुनामीज और इरोजन जो हमारी जो सॉइल है वो ख़राब हो जाती है, सॉइल इरोजन या सुनामी जैसी चीज़ों से बचाता है। इनलैंड लेक्स एंड रॉक जितने भी मतलब वेटलैंड्स हैं उनको मॉडरेट करता है उनके वाटर फ्लो को, बल्कि बहुत सारा वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन को स्टोर करके। अदरवाइज ग्रासलैंड, सो आप सबको ऑलरेडी पता है कि फ्रॉम यूरेशिया टू पेटागोनिया टू अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, शबलैंड ग्रासलैंड स्वानास बहुत डाइवर्स इकोसिस्टम है। अर्थ के डाइवर्स मतलब लाइक बहुत ही डिफरेंट वेराइटी का है, बहुत वेरिएबिलिटी है। तो ये इकोसिस्टम की कंपोनेंट है जो हम अपने लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन सबके की कंपोनेंट है। ये बहुत आइकॉनिक फौना, लॉयंस, डायनासोर से कितने अलग अलग तरह के आपको इसमें फौना मिलेंगे, और जैसे बर्ड हो गया, इंसेक्ट की स्पीशीज, बहुत ज़्यादा डाइवर्स रेंज होगा। तो इससे हमारे टूरिस्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और दे आर वेयर ह्यूमंस इवॉल्व मिलियंस ऑफ ईयर्स। यहीं से जो है इंसान बहुत सालों पहले बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो से इवॉल्व हुए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शबलैंड ग्रासलैंड सवानास को डिग्रेड कर रहे हैं बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हम इनकी ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं इनको, मतलब दे आर द यूज गलत यूज़ कर रहे हैं, उसको डैमेज कर रहे हैं। मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट की वजह से ये डिग्रेड हो रहे हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी हॉटस्पॉट्स हैं जैसे रिवर के पास एरियाज हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत वाटर का एक्सेस बहुत हाई है, उनको हम क्रॉप लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं जो लेस प्रोडक्टिव है, ड्राई है, न्यूट्रिएंट पुअर एरियाज। सो हम इन्हें बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट कर रहे हैं और इनकी पुअर मैनेजमेंट कर रहे हैं, जिस वजह से ये डिग्रेड हो रहे हैं। द अदर इज पीटलैंड्स, सो प्रेजेंट इन मोर देन 180 कंट्रीज से ज़्यादा में ये प्रेजेंट है। तो ये क्या होते हैं, ये वाइटल सुपर पावर्ड इकोसिस्टम्स होते हैं। 3% ऑफ वर्ल्ड एंड से ये कवर और 30% ऑफ सॉइल कार्बन ये कवर स्टोर करते हैं। तो ये वाइटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे वाटर सप्लाई, फ्लड को प्रिवेंट करना या ड्राउट सूखे पड़ने को, और बहुत लोगों को फूड एंड फ्यूल प्रोवाइड करना। तो ये हाउस होता है वेयर प्लांट्स का, एनिमल्स का, जो सिर्फ इन्हीं एरियाज में, इन्हीं इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे वाटरी इन्वायरमेंट में। तो ये उन लोगों, उन एनिमल्स और उन फ्लोरा एंड फौना का इन्वायरमेंट भी है, हाउस भी होता है। द अदर इज ओशियन एंड कोस्ट, सो द ओशियन इज फेसिंग अनप्रेसिडेंट चैलेंजेस, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि सिर्फ 3% ऑफ ओशियन जो है अभी अनइफेक्टेड रह गया ह्यूमन से। तो 1970 से 2000 के बीच में सी ग्रास मिडोज जो 20% ऑफ वर्ल्ड के लार्जेस्ट फिशरीज को सपोर्ट करते थे, वो डिक्लाइन हो गए रफली 30%। वाइल मैग्रोव फॉरेस्ट जो फ्लड और कोस्टल इरोजन को रिड्यूस करता था, उसे 35% की गिरावट देखेंगे आप, और जो चारकोल की डिमांड थी वो अलग से एक्सपैंड हुई। तो 1870 से हाफ ऑफ द रीफ्स कोवर कवर जो ह्यूमंस को, जो घरों को प्रोटेक्ट करता था, 500 मिलियन पीपल का वो उसकी डेथ हो गई है। सो अगर हम कुछ ऐसे फैक्ट्स को कंसिडर करें, जैसे ब्लू कार्बन इकोसिस्टम 10 टाइम्स मोर कार्बन स्टोर करते हैं देन द सेम एक्सपेंस ऑफ द फॉरेस्ट, और दे आर डिक्लाइंग हेल्थ इज कंसर्न, और उनकी जो ये डैमेज और जो उनकी हेल्थ ख़राब हो गई उससे वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि कैसे हम
टाइम टू टाइम अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं। द अदर इज एडवांटेज ऑफ इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। अब हमने बताया कि हमें क्या क्या हम फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ एडवांटेजेस है ना, तभी तो हम इकोसिस्टम रेस्टोरेशन करना चाहते हैं। सो द फर्स्ट एडवांटेज इज नेटिव प्लांट स्पीशीज हैव हैड टाइम ओवर सेंचुरीज टू एक्लाइमेट टू अ रीजन वेयर नॉन नेटिव स्पीशीज हैव नाउ। तो एक स्पीशीज में अपना इन्वॉल्वमेंट सेट होता है कि भाई उसे किस रीजन को कैसे उसने एक्वायर किया, और जो नॉन नेटिव जो वहाँ की बिलोंग नहीं करती उनके पास नहीं। सो रिस्टोरेशन करना या प्रिजर्व करना ओरिजिनल हैबिटेट एंड स्पीशीज का बहुत ज़रूरी है, तो क्योंकि फिर वहाँ पे लेस इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड होगी फर्टिलाइजेशन के, कि अगर वो अपना नेटिव प्लांट है वहाँ पे यूज़ करेंगी। हैबिटेट की फास्टेस्ट रिकवरी होगी, बेनिफिशियल होगा वाइल्ड लाइफ के लिए या फिर जहाँ पे जो नेचुरली वहाँ पे फूड सोर्सेज उगते हैं उनके लिए। तो हैबिटेट लॉस को प्रिवेंट करेगा और मिटिगेट करेगा क्लाइमेट चेंज या थ्रेटनेड जो भी इंडेंजर स्पीशीज जो वहाँ से इंडेंजर्ड हो रहे, ख़त्म हो रहे, उनको भी हेल्प करेगा कि वो वापस आ सके। सो पीपल एनिमल एंड प्लांट्स बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं एक हेल्थी इकोसिस्टम पे, दे ऑल आर द डिपेंडेंट ऑन द एक ऑन ए हेल्दी इकोसिस्टम। सो हमारी हर डे की, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो गई या कोई भी लग्जरी हो गई, वो इन सब सर्विसेज या रिसोर्सेज के बिना इम्पॉसिबल है। तो जब हम लैंड को एक कम्युनिटी देखते हैं जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि रेस्टोरेशन ये एक ऑप्शन है जो हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम अपना रिलेशनशिप कैसे इकोसिस्टम के साथ इम्प्रूव करें, क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट हैं और हमें ये है कि हम उसका एक कंस्ट्रक्टिव पार्ट करें जो हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को सपोर्ट करें, क्योंकि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम उस पर डिपेंडेंट हैं और उसकी केयर करना, उसकी वैल्यू करना और उसको अच्छे से, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना और उसकी अच्छे से मैनेजमेंट करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स द इकोसिस्टम। सो रेस्टोरेशन हमें ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हम वो रिलेशनशिप और वो अपॉर्चुनिटी निभाएं और उसे वापस से वैसी स्टेट में पहुंचाएं जैसा एक हेल्थी इकोसिस्टम होता है। थैंक्स यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।